मैं दीपक कुमार इन्फिनिटी कोचिंग फॉर्मूलों से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का स्टेप फोर मेथड सेम फार्मूला पे पंडित भोला प्रसाद हरर बम हमारे चैनल को जो अभी जो फिलहाल अभी प्रेजेंट में देख रहे हैं, इससे पहले भी हमारा एक वीडियो गया जो पहला वीडियो देखेंगे शायद हो सकता है उनमें उसका उनका कॉन्सेप्ट जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाए। सीबीएसई क्लास टेंथ का सीबीएसई बोलिए या बिहार बोर्ड बोलिए, बीएसई बोर्ड के बोलिए या फिर किसी भी बोर्ड के बोलिए, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीका से बनाया जा सकता है ना। क्वेश्चन है इफ sec theta equal to 5 by 4 so that 2 cos theta minus sin theta cot theta by minus tan theta equal to 12 by 7। तो हमारे चैनल को जो ये क्वेश्चन अभी देख रहे हैं हो सक रहा है तो उनके लिए एक रिक्वेस्ट है कि हमारा जो पहला जो स्टेप किया हुआ है उस मेथड को जरूर से जरूर देखिएगा। देखने के बाद आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीका से बना सकते हैं क्योंकि उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ में बताया गया कि कैसे कैसे क्या क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे बन रहा है। चलिए, और लेकिन हाँ, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना भूलिएगा मत और एकदम करिएगा। अब इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं इफ sec theta equal to 5 by 4 so that 2 cos theta minus sin theta equal to cot theta minus tan theta equal to 12 by 7। मतलब ये LHS है तो ये RHS है, लेफ्ट हैंड साइड और RHS राइट हैंड साइड, इस साइड को हमको सॉल्व करना है और ये बताना है कि वो जो क्वेश्चन है इक्वेशन है LHS equal to RHS क्या वो प्रूफ हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए, क्वेश्चन है sec theta equal to 5 by 4। अब जानते हैं हम लोग sec theta मतलब क्या होता है, sec मतलब क्या है, यहां पे p for perpendicular, b for base, p for perpendicular, h for hypotenuse, b for base। तो पंडित भोला प्रसाद हर हर बम के कांसेप्ट पे ये फार्मूला बन रहा है, ये लास्ट मेरा स्टेप रहेगा। इसके बाद हम लोग किसी और चैप्टर के लिए बहुत ही आसान तरीके से और हॉट ट्रिक के माध्यम से हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं। तो यहां पे दिया हुआ है sec theta equal to 5 by 4, तो sec theta मतलब क्या है, sec कहां पे, यहां पे देखिए sec, तो sec theta equal to 5 by 4 ये दिया हुआ है ना। तो यहां पे देखिएगा क्या है h और यहां पे देखिएगा p, और ये जो एरो है ना ये एरो नीचे से ऊपर की ओर चल रहा है, मतलब ये h है और ये b है, तो h और ये b मेरा क्लियर हो गया। 5 जो है मेरा हाइपोटेनस हो गया और b जो है मेरा क्या हो गया, बेस हो गया। तो हाइपोटेनस 5 और बेस मेरा क्या है 4, तो यहां पे इसको बैठा दिया। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है, परपेंडिकुलर ये फाइंड करना है। तो हम लोग अब कैसे निकालते हैं, वही पाइथागोरस सिंपलेक्ट पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला पे हम लोग बैठाएंगे इसको, है ना। तो क्या है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसी मेथड पे हम लोग इसको सेटअप करते हैं। तो AC तो दिया हुआ है हमारा और हमको निकालना क्या है, ये निकालना है BC निकालना, मतलब क्या निकालना है बम, ये पंडित भोला प्रसाद हर हर बम जो है ये जो कंसेप्ट है BC का, ये चीज हमको फाइंड करना है BC को। BC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। अब हम लोग बैठा देते हैं इसी कॉन्सेप्ट में, AC का वैल्यू दिया हुआ है 5 का स्क्वायर माइनस AB का वैल्यू क्या दिया हुआ है 4 का स्क्वायर, और स्क्वायर है स्क्वायर बिकम्स क्या हो जाता है रूट, तो BC बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस 16 इक्वल टू 9 और रूट 9 का वैल्यू क्या होगा 3 हो गया। तो ये जो हमारा जो निकला है BC जो मेरा 3 हो चुका है। अब हम लोग इसी कंसेप्ट पे इसको बैठाएंगे 2 cos थीटा माइनस sin थीटा cot थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 12 बाय 7, मतलब LHS बराबर RHS, उसको हमको सॉल्व करना है। 2 cos थीटा माइनस sin थीटा बाय cot थीटा माइनस tan थीटा। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं 2 into cos थीटा। अब देखते हैं cos का वैल्यू क्या दिया हुआ है b by h, तो b का वैल्यू क्या निकला है तो 4 निकला है और h का वैल्यू क्या निकला है 5 निकला है ना, और sin का वैल्यू p by h, तो sin का वैल्यू क्या है 3 है और h का वैल्यू क्या है 5 है, तो 3 बैठा है, बैठाते चल जाने। cot थीटा, cot का मतलब क्या होता है b by p, तो b by p तो 4 by 3, tan थीटा p by p तो p का वैल्यू क्या है 3 है और b का वैल्यू क्या है 4 है। तो इसी मेथड पे कांसेप्ट पे हम लोग सारा चीज को बैठा दिएंगे।
अब देखिए यहाँ पे 2 into cos theta, cos theta का वैल्यू क्या दिया हुआ है 4 by 5, तो यहाँ लिख दिया 4 by 5, sin किसका है माइनस है, तो माइनस हम भी बैठा देंगे, sin theta, sin का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3 by 5, यहाँ से देखिएगा, भूलिएगा मत, by cos theta, cos theta का वैल्यू क्या दिया हुआ है 4 by 3, तो 4 by 3 minus tan theta का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3 by 4, देखिए कितना आसान तरीका से इसको हम सॉल्व करते जा रहे हैं, इसको मल्टीपल कर दीजिए 4 टू 8 बाय 5 माइनस 3 बाय 5 बाय 4 3 का एलसीएम लीजिए 12 हो जाता है 16 माइनस 9 है ना, अब 8 से 3 को हम लोग सबट्रैक्ट करते हैं क्या होता है 5 बाय 5 ये वाला 5 एलसीएम लेने के बाद और 16 से 9 दिया क्या हो गया 7 बाय 12 तो ये 5 5 कैंसिल हो जाता है तो यहाँ पे क्या हो गया 1 by 7 by 12 ये 12 क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 12 by 7 है ना, अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 12 by 7 equal to 12 by 7 मतलब LHS बराबर LHS बराबर RHS R क्रूज, देखिए कितना आसान तरीका से हम लोग इस कंसेप्ट को बनाए और हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यहाँ से आज से समाप्त होता है। इसके बाद आपके साथ में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, लिखिए नंबर लिखना है 9471625602, फिर ध्यान से सुनिए 9471625602, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं किसी भी तरह का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का कुछ कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन होगा तो उसको हम लोग बहुत ही आसान तरीका से हम लोग बनाएंगे और हॉट ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे, इसलिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इन्फिनिटी कोचिंग फॉर यूजर, धन्यवाद।